हैबिट नंबर 5, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। स्वयं से झूठ ना बोले। आदमी सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन वो क्या कर रहा है ये वो खुद जानता है। तो स्वयं से झूठ बोलना, बहाने ढूंढना सबसे आसान काम है, लेकिन कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी मुसीबत आएंगी तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उनके अंदर उनका कोई दोष नहीं होता है, वो काम को कल पे टालने की कोशिश करते हैं, और काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, या फिर वो क्या कहेंगे, समय नहीं मिल रहा है। तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। क्या उनके पास समय नहीं था? समय बिल्कुल था। क्या वो काम इम्पॉसिबल था? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही, इसी बिजनेस के अंदर ही बहुत सारे लोग हमसे क्या कहते हैं कि अब हमें इनकम नहीं आ रही। हम कैसे माने उस चीज को? हमको आ रही है, हमारे अपलाइन को आ रही है, अपलाइन के अपलाइन को आ रही है, डाउनलाइन को आ रही है, तो आपको क्यों नहीं आ रही? तो वजह कहां रही? वजह वहां रही जहां पर आपने कहा कि काम आप नहीं कर पा रहे, आप बहानों की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कार्य को यह संभव नहीं है, काम को यह संभव नहीं है। तो उस पर या तो हम पे कह देते कि भाई ये प्लान बड़ा मुश्किल है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सारे के सारे पे हम अपने आप को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, मुझे यहां पर डर लगता है, मेरा तो अपलाइन ही भाग गया है, ये सब चीजें हमें अपने आप को बोलनी पड़ जाती हैं। और याद रखिएगा, जब भी हम ऐसा करते हैं तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम अपने पोटेंशियल को धोखा दे रहे हैं। जो कुदरत ने, जो प्रकृति ने हमारे अंदर, सो हमें अपने आप से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। यहां पर यहां हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है, यदि वो स्वयं से झूठ बोल रहा है तो वो अपने आप को जज कर सकता है कि वो सही है या नहीं है। तो अपने आप को सोचिए, अपने लिए सोचिए। यदि आप अपने अपलायंस से झूठ बोल रहे हैं चलेगा, आप अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं चलेगा, यदि आप अपने दोस्तों से झूठ बोल रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो कभी कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि यदि आपने स्वयं से झूठ बोला तो याद रखिएगा, आपने अपने पोटेंशियल को झूठ बोल दिया। आप हमेशा उसी चादर के नीचे रहेंगे जो चादर आपने अपने चारों तरफ घेर रखी है, ओढ़ रखी है, उसी चादर में हमेशा रहेंगे। तो हमें यदि उससे आगे बढ़ना है तो उससे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप को, अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। और यदि प्रकृति ने आपको 1000 तक पहुंचने की सलाहियत दी है और आप 100 पर आकर रुक जाते हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। वहां पर, वहां अपने साथ आप 900 पॉइंट का धोखा कर रहे हैं, वहां वो सलाहियत आपके साथ काम नहीं कर रही है। चाहे आपके साथ वाले जो आपके साथ के हों वो 50 पर ही अटक गए हों, तो आप उनकी तुलना में आगे हो सकते हैं, लेकिन आपकी पोटेंशियल कहां तक थी? 1000 तक पहुंचने की थी। आप 100 पर अटक गए, 200 पर अटक गए, उससे आपको आगे बढ़ना है। आपका जो गेन है उस गेन को आगे लेना है, उस पोटेंशियल को आपको आगे बढ़ाना है।